हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। मैं हूं सोनिया सिंह। आज हम एक फ्लोर बोर्ड बनाएंगे जो हम एक विस्क टॉवल के साथ बनाने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे थोड़ी और हिम्मत मिलती है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आए, आप अपने घर के सजाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बना सकें और हमें भी अच्छा लगे कि जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आप अच्छे सीख रहे हैं और अपने घर के लिए बना रहे हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिए ये हमने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले मैं ये एक पुराना टॉवल ले रही हूँ। ये देखिए मैंने इसकी किनारी निकाल ली है, साइड में से इसकी किनारी, जिस तरह से देखिए दूसरी साइड ये किनारी है, ये किनारी नहीं होनी चाहिए, इसको आप निकाल देंगे। फिर आप एक चौकोर पीस अपने टॉवल में से निकाल लेंगे इस तरह से करके। ये देखो इस तरह से फोल्ड किया और ये यहां तक आप इसको कट कर लेंगे। ये आपका कट हो गया। अब इसके ऊपर एक हल्का सा निशान लगा लेंगे राउंड का। ये जो हमारे कॉर्नर से है, हमें कॉर्नर्स निकालने हैं इसके अंदर से, तो इन सबको कट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर राउंड ही होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो भी चलेगा। तो ऐसे चारों कोने निकाल देंगे। ये मैंने राउंड कट कर लिया है। अब आप कुछ भी ऐसा ले लेंगे जिसके ऊपर आपको पॉट बनाना है, तो मेरे पास एक छोटी सी बाल्टी है, ये देखिए ये 1 लीटर की होगी, तो मैं ये ले रही हूं। तो जिससे कि इसके ऊपर सीमेंट ना जाए, मैं इसके ऊपर इस तरह से इस पॉलिथिन को सेट कर रही हूं। ये देखिए ये हो गया। अब मैंने दो ये बेकार डब्बे ले लिए हैं, एक डब्बा ये रख दिया, एक इस डब्बे को ऊपर रखेंगे ताकि जो हमारी छोटी सी बाल्टी है उसको हम इसके ऊपर सेट कर सके। ऐसे सेट कर देंगे कि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। ये हमारा हो गया। ये ब्लैक वाला जो सीमेंट होता है लगभग 1 किलो के आसपास, मैंने सीमेंट ले लिया है और ये इस तरह का मार्बल का ये टुकड़े आते हैं छोटे छोटे, ये मैंने लिए हैं। ये भी मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी और पानी के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का एक पेस्ट तैयार हो गया है सीमेंट का। अब मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं, ये देखो सिर्फ इतना डाल रही हूं। अब अपना जो टॉवल का टुकड़ा है इसको इसके अंदर डिप करेंगे अच्छे से। पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। और एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जल्दी ही
अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो सभी का मन करता है कि हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहे, अपने बच्चों को भी सिखा सके, आप भी कुछ कर सके। तो मैं एक तंजूर का छोटा सा पीस आप लोगों को YouTube पर सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए मैं कई सारी वीडियो डालूंगी, तो कोशिश कीजिए कि अपने फ्रेंडों को भी आप वीडियो शेयर करें, वो भी ये आर्ट सीख सके। बहुत ही पुराना आर्ट है, बहुत ही अच्छा आर्ट है, कोई भी इसको सिखाएगा, इसके लिए फीस पे करनी पड़ती है और मैं आपको ये फ्री ट्यूटोरियल दे रही हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।